आप देख सकते हैं गाजर आलू बीट सब्जी काट के रेडी, वेजिटेबल सब्जी काट के रेडी किया है, आप देख सकते हैं। और जीरा मसाला पीस के रेडी है। और यहाँ में प्याज लहसुन और अदरक रेडी करके रखा हुआ है, अभी खाली इसका बनाने का तैयारी करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई बिठा लिया है, कढ़ाई थोड़ा गर्म हो गया, अभी तेल डाल देंगे, सरसों तेल, और तेल को गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें मिर्च डाल देंगे, थोड़ा इसको मिर्च को थोड़ा ऐसे फूट जाए। प्याज डालेंगे, इसको थोड़ा हल्का भुनेंगे, ब्राउन कलर जब तक ना हो जाए तब तक। देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन को भी थोड़ा हल्का ब्राउन करना है। लहसुन को भी ब्राउन हो चुका है, अब डालेंगे हम अदरक, अब इसको हल्का भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है, ज़्यादा भुनने से तीखा हो जाएगा। मैं डालूँगी वेजिटेबल सब्जी काटने वाला रखा वाला, और नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधा टीस्पून, मैंने गोटा जीरा पीस के रखा हुआ था तो मैं उसको 2 टीस्पून डाल रही हूँ, हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि इसका कलर सबसे अच्छा आए, थोड़ा सा जस्ट। तो हम चलाएंगे, आप देख सकते हैं कैसे मैं चला रही हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है वेजिटेबल सब्जी। अब इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे, इसको अभी 1 मिनट तक ढक के पकाएंगे, और गैस को धीमी आंच पर पकाएं, ज़्यादा आंच पर पकाने से पूरा जल जाएगा, धीमी आंच पर पकाएं। 1 मिनट हो चुका है, अभी इसको खोलेंगे, अब देखते हैं कैसा बन गया, इसको चलाएंगे अभी। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल देते हैं, कटोरी छोटा, लेकिन इतना बड़ा कटोरी में पानी नहीं, छोटा कटोरी में 1 कटोरी पानी डाल देंगे इसमें। अब इसको हल्का सा थिपथिपाएं ऐसे करके, हल्का सा। अब इसमें पानी डालने के बाद में थोड़ा सा 2 मिनट तक इसको पकाएं धीमी आंच पर। 2 मिनट हो चुका है, अब खुलेंगे और इसको चलाएंगे, देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया। अब इसको थोड़ा सा पानी सूखने देंगे, इसको ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसको फ्राई बनाएंगे, इसको थोड़ा पानी सूखने देंगे। अब देखिए पानी सूख चुका है, ये फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं बीट डाली थी मैंने सब्जी में, बीट का कलर कितना सुंदर आया है, आप लोग भी ज़रूर बना के देखिए बीट का सब्जी। देखिए ये फ्राई हो चुका है, अब इसको हम सर्व करेंगे। मेरा वेजिटेबल सब्जी तैयार हो चुका है, अब इसको हम कटोरी में सर्व कर लेंगे। मेरा वेजिटेबल सब्जी तैयार हो चुका है, और आप बना के ज़रूर देख लीजिएगा कैसा बना है, और
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है आपको।